बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। खरगोन जिला मुख्यालय पर पूरे जिले की जीवनदायिनी कुंदा नदी में हो रही गंदगी और पानी की कमी से शहरवासियों को काफी परेशानियां उठाना पड़ रही है। इसी को लेकर आज कुंदा नदी के तट पर राजनीतिक, प्रशासनिक और आम नागरिकों ने कुंदा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए सफाई अभियान चलाया। खरगोन में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बारिश से पहले जीवनदायिनी कुंदा नदी का सफाई अभियान प्रदेश के लोक निर्माण और जिले के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की मौजूदगी में चलाया गया। इस दौरान भाजपा के नव निर्वाचित सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और स्थानीय विधायक रवि जोशी सहित सैकड़ों लोगों ने कुंदा की सफाई में अपनी भागीदारी निभाई। नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित सफाई अभियान की खास बात यह रही कि मंत्री, सांसद और विधायक के साथ कांग्रेस और भाजपा के लोग पहली बार एक साथ कुंदा की सफाई करते नजर आए। कुंदा सफाई अभियान को लेकर प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना था कि खरगोन नगर पालिका पूरे देश में स्वच्छता अभियान में एक नंबर नगर पालिका है। हर विकास के मामले में नंबर एक हो ऐसे प्रयास करेंगे। सफाई अभियान को रस्म अदायगी नहीं बनने देंगे। कुंदा को प्रदूषण से मुक्त करेंगे। इधर नव निर्वाचित सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान को लेकर पूरा किया है, लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम लेकर 70 साल से राजनीति करने वालों को अब स्वच्छता की सुध आई है। आज पीएम के इस अभियान में कांग्रेस के लोगों ने भागीदारी की है, भाजपा उसका स्वागत करती है। मुझे लगता है कि इस देश का सबसे महत्वपूर्ण मिशन है स्वच्छ भारत अभियान, और जिसको लेकर परम पूजनीय जी महात्मा गांधी जी का भी अभियान था कि देश स्वच्छ रहना चाहिए, और उसी अभियान को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान की शुरुआत की थी, और आज पूरा गांव, शहर, पूरा प्रदेश और देश इस अभियान को लेकर जागरूक भी हुआ है और इस अभियान के लिए काम करना भी शुरू किया है। और वास्तव में ध्यान में आता है कि इस अभियान को लेने के बाद में जब पूरे देश में जब स्वच्छता का अभियान चला तो इस देश के बारे में विदेशों में भी सोच बदली है, और विदेश के लोग भी इस देश में जब आते हैं तो कहने लग गए कि भारत भी आज स्वच्छ और सुंदर लगने लग गया है। और मुझे गर्व है कि मैं जिस संसदीय क्षेत्र से हूँ वो खरगोन शहर भी इस स्वच्छता अभियान में अग्रणीय है और कई बार पुरस्कार जीत चुका है, और इस अभियान में कई प्रकार के संगठन, कई प्रकार के सामाजिक संस्थाएँ और कई प्रकार के विचार के इस स्वच्छता अभियान को लेकर काम करने वाले कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। मेरे साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी के भी प्रमुख कार्यकर्ता लोग शामिल हैं और यहाँ पर कई संस्थाएं काम कर रही हैं। आज क्या कुंदा सफाई अभियान चल रहा है कुंदा नदी? अब स्वच्छता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है कि नदी की भी सफाइयाँ होना चाहिए। नदी से उत्पन्न वाली बीमारियाँ, नदी से उत्पन्न वाली कई प्रकार के चीज़ें न पैदा हो, इसलिए नदी की सफाई होना चाहिए। नदी के बाद में मोहल्लों की, मोहल्लों से लेकर नालियों की, सबका स्वच्छता अभियान होना चाहिए। कई प्रकार के स्वच्छता के अभियान ही है, और इसलिए नदी की सफाई होगी तो आने वाला घर में पानी भी जो उपयोग किया जाने वाला वो भी स्वच्छ और ठीक रहेगा। क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? मेरा तो यही संदेश है कि हम जिस देश के निवासी हैं वो देश हमारे लिए सबसे पहले अग्रणी है, और देश को पहले रखने के साथ में देश का गौरव बढ़े, इसलिए जो जिस मानसिकता को लेकर हमारे परम पूज्य जी महात्मा गांधी जी ने अभियान शुरू किया था कि देश स्वच्छ रहना चाहिए, उसी अभियान को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अभियान शुरू किया, और इसलिए लोगों में अवेयरनेस आई है पिछले 5 सालों में, और देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश को लेकर आज पूरे देश की जनता और देश के कई प्रकार के सामाजिक, औद्योगिक, युवा, महिला, बुजुर्ग सब लोग इस अभियान में लगे हैं। और आप भी आज देख रहे हैं पूरा दृश्य, यहाँ खरगोन शहर में भी देखिए आप, कई प्रकार के शासकीय कर्मचारी हैं, कई प्रकार के संस्थाओं के लोग हैं, कई प्रकार की हमारी बहनें इस योजनाओं में काम कर रही है, और इसलिए ये बहुत अच्छी पहल है। और इसके लिए यही मेरा निवेदन है कि स्वच्छ अगर अपना शहर, गलियाँ, गाँव, घर रहेगा तो हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा, हमारा शरीर भी स्वच्छ रहेगा, और हम अच्छे स्वच्छ मानसिकता से इस भारत के लिए अच्छा काम कर सकेंगे। आप सांसद बने हैं, कुंदा नदी के जीर्णोद्धार के लिए कितने प्रयास किए हैं सांसद निधि से? जीवनदायिनी नदी है खरगोन। बिल्कुल स्वाभाविक है, इसको मैं बहुत बचपन से देख रहा हूँ और कई हमारे पूर्वजों ने भी इस नदी को देखा है। यह खरगोन शहर की और खरगोन शहर से लगे कई गाँव की ये जीवनदायिनी नदी है, और इसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, परंतु विगत 5 सालों में इस नदी के बारे में, स्वच्छता के बारे में देश में इसी सरकार ने पहल करना शुरू करी कि नदी स्वच्छ नदियों के अभियान में। और इसलिए पहले कहा था कि गंगा बड़ी अपवित्र है, तो गंगा स्वच्छ अभियान शुरू किया गया और देश की कई नदियों के अभियान, स्वच्छता के अभियान की शुरुआत की गई, और कुंदा नदी भी अगर हमारी जीवनदायिनी है तो इसका भी स्वच्छता अभियान चल रहा है। कई खरगोन शहर के आसपास के शहरों के कई संस्थाएँ
इस नदी स्वच्छता अभियान में लगी हुई है और बड़ी खुशी की बात है, और उनको मैं सबको शुभकामनाएं बधाई दूंगा कि ये हमारे सोच के